गुड मॉर्निंग बच्चों, कक्षा 3 गणित में आज हम प्रश्नावली 2 के प्रश्न हल करेंगे। पहला प्रश्न देखिए, इसमें इस संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा का मान बताइए। तो 5 सवाल है। अब इसमें देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान बताना है, यानी देखिए अब 3 अंकों की संख्या है तो हम जानते हैं ये स्थान इकाई 7 है। अंक क्या है? 7। और स्थान इसका कौन सा, यानी किस जगह पर है ये, तो ये होता है इकाई। फिर ये अंक 5 है, ये किस स्थान पर है? दहाई के स्थान पर। फिर अंक 3 है, ये है सैकड़ा के स्थान पर। तो 3 अंकों की संख्या है, इसमें 3 स्थान होंगे, इधर ये इकाई, फिर उसके साथ दहाई और फिर सैकड़ा। तो अब इसमें इन सैकड़ा का, इकाई दहाई का मान बताना है। तो देखिए, इकाई की जगह पर कितना है? 7 है, तो इकाई का मान इसमें कितना हो गया? 7। दहाई की जगह पर अंक है 5 है, तो दहाई का मान 5 हो गया। और इसमें सैकड़ा की जगह पर 3 है, तो इसका मान, सैकड़ा का मान कितना हो गया? 3 हो गया। अब जैसे दूसरी संख्या है 802, तो इसमें इकाई की जगह पर देखिए 2 है, तो इसमें इकाई का मान कितना हो गया? 2। इसमें इकाई का मान 7 था, क्योंकि इकाई के स्थान पर अंक है वो 7 था। इसमें इकाई का मान 2 है, इसमें इकाई का मान 0 है। तो इस तरह से हमें इन सभी संख्याओं में इकाई, दहाई व सैकड़ा का मान बताना है। तो ऊपर ये तीनों स्थान लिख लेंगे, सैकड़ा, फिर इधर दूसरे नंबर पे दहाई, और इधर तीसरे नंबर पर इकाई। इधर हम हमारे जो सवाल हैं वो लिखते जाएंगे। जैसे पहला है, इसमें संख्या है 357, तो अब इसमें देखिए सैकड़ा का मान कितना है? 3 है। और दहाई का मान कितना है? 5 है। और इकाई का मान कितना है? 7 है। इसी तरह से दूसरा प्रश्न है 802, तो इसमें सैकड़ा कितना है? 8। दहाई कितना है? 0, तो दहाई का मान 0 हो गया। इकाई की जगह पर अंक 2 है, तो इकाई का मान 2 हो गया। इसी तरह से तीसरा सवाल है, संख्या है 700, तो इसमें सैकड़ा की जगह पर 7 है, तो सैकड़ा का मान 7, दहाई का मान 0 और इकाई का मान 0। चौथा प्रश्न है, ये आप स्वयं हल करेंगे। अब आगे देखिए, पांचवा है। अब इसमें देखिए संख्या क्या है? 24, 2 अंकों की संख्या है। तो अब इसमें देखिए, सैकड़ा की जगह पर कुछ नहीं है, तो सैकड़ा का मान क्या है? 0। दहाई का मान 2 और इकाई का मान 4 है। इसी तरह से आगे दूसरा सवाल है, सवाल देखिए कि इकाई, दहाई व सैकड़ा के रूप में लिखिए। पहला प्रश्न था, उसमें देखिए क्या है, इकाई, दहाई और सैकड़ा का मान बताना है, यानी इकाई, दहाई और सैकड़ा के स्थान पर जो अंक है, जैसे सैकड़ा अभी इसमें 3 है, तो सैकड़ा का मान इस संख्या में 3 हो गया। इसमें सैकड़ा का मान सैकड़ा के स्थान पर 8 है, तो 8 हो गया। अब इसमें इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में लिखना है, तो इसको आप किस तरह से लिखेंगे? जैसे पहला सवाल है 448, तो अब इसमें देखिए 4 किस स्थान पर है? सैकड़ा के स्थान पर, तो 4 सैकड़ा, फिर प्लस दहाई के स्थान पर 4 है, तो 4 दहाई, प्लस इकाई के स्थान पर 8 है, तो 8 इकाई। तो मान बताना हो तो इस तरह से आपको अंक बताने हैं वो, और इकाई, दहाई और सैकड़ा के रूप में लिखिए, तो इसको इस तरह से लिखना है। जैसे दूसरा सवाल है, संख्या है 802, तो अब इसमें देखिए 8 क्या है? सैकड़ा के स्थान पर है, तो 8 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 2 क्या है? इकाई। इसी तरह से तीसरा हो जाएगा, 600 है, तो 6 क्या है? सैकड़ा के स्थान पर है, तो 6 सैकड़ा प्लस 0 दहाई प्लस 0 इकाई, इस तरह से लिखना है। चौथा सवाल है, ये आप स्वयं हल करेंगे। आगे तीसरा प्रश्न देखिए, हल कीजिए। 4 सवाल हैं इसमें, तो कॉलम रूप में लिखे हुए हैं। इस तरह के सवाल हमने 2.5 में भी हल किए थे। जो संख्याएं हमें दे रखी हैं, बस जोड़ करना है इनका। तो देखिए 24 में 33 जोड़ना है, तो
तो पहले इकाई के अंकों को जोड़ेंगे, तो चार इकाई में तीन इकाई जोड़ेंगे, तो चार और तीन कितने हो जाएंगे, सात। छोटा अंक तीन है, तीन लाइनें खींच ली, चार में जोड़ने, तो चार के बाद पाँच छः सात हो गए, चार और तीन सात। अब देखिए सात इकाई है, इसमें ढाई नहीं है ना, सात एक अंक की संख्या है, ढाई नहीं है, तो इसका मतलब ये हासिल वाला सवाल नहीं है। सात इकाई के इकाई का अंक है, इकाई के नीचे आ जाएगा, तो बिना हासिल वाला जोड़ाइए। इसी तरह से तीन में दो जोड़ेंगे, तीन और दो पाँच। अब देखिए दूसरा, ऐसे से अड़सठ में चौंतीस जोड़ना है, तो पहले इकाई को जोड़ेंगे इकाई में, तो आठ, इकाई में चार इकाई जोड़ेंगे, तो आठ और चार कितने हो जाएंगे, बारह। देखिए जैसे छोटा अंक चार है, चार लाइनें खींच लीजिए, आठ में जोड़ने, तो आठ के बाद ये मिलाएंगे नौ, ये दस, ये ग्यारह, ये बारह। तो बारह में देखिए बारह क्या है, दो अंकों की संख्या है, तो इकाई का दो है, ये इकाई के नीचे लिख देंगे, और दहाई का एक, ये इधर हासिल लग जाएंगे। तो देखिए जोड़ने पर जब एक ही अंक आता है तो वो बिना हासिल वाला होगा, और जब अपने जोड़ेंगे इकाई को तो इसमें अब दो अंक की संख्या आ गई, तो ये दहाई आ गया इसमें, तो इसकी क्या लग जाएगी, हासिल लग जाएगी। अब देखिए छः में तीन जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, नौ, नौ में एक हासिल जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा दस। तो इसका तीसरा और चौथा है ये आप स्वयं हल करेंगे। आगे छठा प्रश्न देखिए, सॉरी चौथा प्रश्न है, हल कीजिए। अब इसमें छः सवाल हैं। पहला प्रश्न देखिए, जैसे 15 + 25, तो दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या जोड़नी है। इस तरह के सवाल हमने अभ्यास 2.6 में किए थे। तो देखिए जैसे पहला प्रश्न मैं दोबारा लिख रही हूँ, 15 + 25, तो दो अंकों की संख्या है, तो स्थान कौन से हो जाएंगे, इकाई और दहाई। तो 15 में देखिए एक दहाई, पाँच इकाई, और 25 में दो इकाई है और दो दहाई है और पाँच इकाई है, तो इस तरह से लिख लेंगे, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब देखिए पाँच में पाँच जोड़ेंगे, तो पाँच और पाँच दस, दस का जो जीरो है वो इकाई के स्थान पर, और एक है दहाई, वो दहाई के लाइन में हासिल के रूप में लिख लेंगे। देखिए दो और एक तीन, तीन और एक चार, तो 15 और 25 को जोड़ने पर 40 आ गया। इसी तरह से दूसरा, तीसरा और ये छठा है। अब इसमें देखिए दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या जोड़नी है, तो इसी तरह से होगा। अब देखिए चौथा और पांचवा है। अब चौथे में देखिए जैसे 50 + 5, दो अंकों की संख्या में एक अंक की संख्या जोड़नी है। तो अब देखिए 50 में क्या है, पाँच दहाई और इकाई कितना है, जीरो, तो इस तरह से लिख लिया। अब पाँच देखिए एक अंक की संख्या है, तो इसमें सिर्फ क्या है, इकाई है, दहाई इसमें नहीं है, तो दहाई के स्थान पर खाली छोड़ लें या जीरो लगा दें। तो ध्यान रखना है इकाई का अंक इकाई के नीचे, इस तरह से नहीं करना कि पाँच इधर लिख दिया, गलत हो जाएगा, क्योंकि पाँच क्या है, इकाई है, तो इकाई के नीचे आएगा, दहाई की जगह ये खाली रहेगी। तो पाँच इकाई में जीरो इकाई जोड़ेंगे, तो पाँच में जीरो जोड़ेंगे, तो पाँच का पाँच, इधर दहाई कितना है अपने पास, पाँच है, तो फिर पाँच का पाँच, तो 50 में पाँच जोड़ेंगे तो 55 आ जाएगा। अब देखिए मान लीजिए आप इस तरह से लिख लें, तो ये क्या हो जाएगा, पाँच और पाँच दस, 100 बन जाएंगे, तो गलत हो गया ना। तो ध्यान रखना है इकाई के नीचे इकाई का अंक और दहाई के नीचे दहाई का अंक, जिसमें अब इसमें जैसे दहाई का अंक नहीं है तो उस वहाँ पर क्या लगा देंगे, जीरो लगा देंगे। इसी तरह का पांचवा है 25 + 7, तो सात क्या है, इकाई इकाई है, तो कहाँ पर लिखेंगे, इकाई के नीचे लिखेंगे, और दहाई की जगह पर खाली रख लेंगे या जीरो लगा देंगे। आगे पांचवा प्रश्न देखिए, दीपावली पर राधा ने 45 मोमबत्ती और मोहन ने 55 मोमबत्ती खरीदी, बताइए दोनों ने मिलकर कुल कितनी मोमबत्तियां खरीदी। तो देखिए इस तरह के जो सवाल हैं वो हमने अभ्यास 2.4 में भी हल किए थे, इन्हें क्या बोलते हैं, इबारती सवाल बोलते हैं। और ये जैसे था 2.5 में भी था कि कॉलम रूप में लिखे सवालों को हल कीजिए, तो इस तरह से जो इबारती प्रश्न है पहले इनको हम इस तरह से कॉलम के रूप में लिख लेंगे और फिर इसको हल करेंगे। तो प्रश्न में जो दिया हुआ है उसको अपने शॉर्ट में लिख लेंगे, जैसे अपने को क्या दे रखा है कि राधा ने कितनी मोमबत्ती खरीदी और मोहन ने कितनी खरीदी, ये दिया हुआ है, तो लिखेंगे राधा ने मोमबत्ती खरीदी, कितनी खरीदी है
वो बराबर का चिन्ह लगाकर इधर दाईं ओर संख्या लिख देंगे 55। फिर देखिए दूसरी लाइन में मोहन ने खरीदी है जो मोमबत्ती, वो लिख लेंगे। तो मोहन ने मोमबत्ती खरीदी बराबर का चिन्ह लगाएंगे और संख्या इसके दाईं ओर, सॉरी राधा ने कितनी खरीदी है 45 और मोहन ने 55। फिर तीसरी लाइन में प्रश्न में क्या पूछा है कि दोनों ने मिलकर कुल कितनी मोमबत्तियां खरीदी, तो तीसरी लाइन में हम लिखेंगे दोनों ने, देखिए जो प्रश्न में दिया हुआ है उसी को दोनों ने मिलकर कुल, अब कितनी नहीं लिखना, आगे क्या लिखना है, कुल मोमबत्तियां, मोमबत्तियां खरीदी बराबर, और इसके सामने सवाल कर देंगे। मैं नीचे कर रही हूँ देखिए, तो दो अंकों की संख्या में दो अंकों की संख्या जोड़नी है, तो 45 और 55 इस तरह से लिख लेंगे, चाहे तो इसके ऊपर जैसे ये इकाई और ये दहाई, तो इकाई में इकाई जोड़ेंगे, 5 में 5 जोड़े तो कितने होंगे 10, 10 का 0 हासिल 1, फिर 5 और 4 9, 9 में 1 हासिल जोड़ेंगे तो 10, तो दोनों ने मिलकर 100 मोमबत्तियाँ खरीदी है। तो आप इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे और प्रश्नावली 2 के 1 से 5 तक प्रश्न इन्हें कॉपी में हल करेंगे। धन्यवाद।